कांकेर राज्य का इतिहास छत्तीसगढ़ की वीरता और अनकहे रहस्यों से भरा हुआ है। इसी राज्य के एक महान राजा राजा शंकरदेव की कहानी है, जिन्होंने कांकेर के दुर्गम पहाड़ों पर एक अद्भुत किले का निर्माण किया था। ये किला केवल एक किला नहीं था, ये कांकेर के लोगों के लिए साहस और सुरक्षा का प्रतीक था। राजा शंकरदेव अपने पराक्रम और कूटनीति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इस कहानी का मुख्य रहस्य किले में नहीं, बल्कि उस राजा की एकमात्र संतान राजकुमारी रति में था। रति जितनी सुंदर थी उतनी ही साहसी और तेज तर्रार भी। उसे अपने पिता और राज्य की कहानियों में गहरा लगाव था, पर एक सवाल हमेशा उसे सताता था। उसके पिता ने किले के भीतर एक ऐसा स्थान क्यों बनवाया था जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन उसने अपने पिता से पूछ ही लिया। राजा शंकरदेव ने गंभीर होकर उसे बताया, उस कक्ष में एक अनमोल खजाना है, लेकिन उसकी रक्षा एक प्राचीन आत्माएं करती है। जो भी लोग या अहंकार के साथ वहां गया उसका अंत बहुत बुरा हुआ। रति को यह सुनकर और भी जिज्ञासा हुई, लेकिन उसके पिता ने उसे चेतावनी दी, वो कभी वहां न जाए। कुछ समय बाद राजा शंकरदेव युद्ध पर गए और यही वो अवसर था जब रति ने गुप्त स्थान में जाने का साहस किया। आधी रात का समय था, वो अकेली शांत डरते डरते किले के उस बंद कक्ष की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने भारी पत्थर का दरवाजा खोला, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। सामने एक विशाल गूढ़ कक्ष था और बीच में एक बड़ा सोने का बर्तन जो किसी मंत्र के प्रभाव से चमक रहा था। जैसे ही रति ने खजाने के करीब कदम बढ़ाया, एक गहरी गूंजती आवाज गूंज उठी, इस खजाने के करीब केवल वही आ सकता है जिसके इरादे नेक हों। रति थोड़ी घबराई, लेकिन उसने अपने अंदर साहस को महसूस किया और कहा, मैं लोभ में नहीं आई हूं बल्कि अपने राज्य का भविष्य जानने आई हूं। अचानक से कक्ष में एक तेज प्रकाश फूटा और उसमें से प्रकट हुई एक दिव्य छवि। ये छवि उसके पूर्वजों की थी, उन वीर आत्माओं की जिन्होंने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। उस छवि ने रति से कहा, यह खजाना केवल दौलत नहीं है, यह राज्य की रक्षा के लिए एक अंतिम उपाय है। अगर कभी कांकेर राज्य पर संकट आए तभी इसका उपयोग करना। रति ने यह सुनकर खजाने को वही छोड़ने का निर्णय लिया। राजा शंकरदेव जब लौटे और उन्होंने सब कुछ सुना तो गर्व से अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, तुम्हारे साहस और विवेक ने इस राज्य को एक सच्चा उत्तराधिकारी दिया है। इस घटना के बाद रति ने उस खजाने का रहस्य अपने दिल में ही छुपा लिया और संकल्प लिया कि वह अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा प्रयास करेगी। उसकी वीरता और समझदारी के किस्से पूरे राज्य में फैल गए और वो गुप्त खजाना बस एक मिथक बनकर रह गया।